लगातार चौथे दिन भी बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 600 अंक टूटकर 79,600 के नीचे खुला, तो बैंक निफ्टी ने भी झटका दे दिया। बैंकिंग स्टॉक्स में जोरदार गिरावट बाजार को लेके नीचे आ रहा है। बीएसई का सेंसेक्स 606.77 अंक या फिर 0.76% की गिरावट के साथ 79,542 पर खुला। निफ्टी की शुरुआत 182.55 अंक या 0.75% की गिरावट के साथ 24,230 पर हुई। बाजार खुलने के 5 मिनट के बाद ही निफ्टी में 200 अंकों तक की गिरावट देखी गई। तो जब से बजट पारित हुआ है और आम बजट के बाद हमेशा नजर रहती है शेयर बाजार पर, सेंसेक्स पर, लेकिन जो उम्मीद थी उससे उल्टा होता नजर आ रहा है। आज चौथा दिन लगातार बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 600 अंक टूटकर 79,600 के नीचे खुला, तो बैंक निफ्टी ने भी झटका दे दिया है। लगातार ये गिरावट 24,230 पर हुई। बाजार खुलने के 5 मिनट के बाद निफ्टी में 200 अंकों तक की गिरावट देखी गई है। तो फिलहाल सेंसेक्स में खलबली मची हुई है गिरावट के तौर पर अगर देखा जाए, और लगातार झटके पर झटका। उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये स्थिति सुधरती नजर आएगी।